जब भारत की सरहद के बाहर मिली भगवान विष्णु की दुर्लभ प्राचीन मूर्ति। जब बांग्लादेश में मिली भगवान विष्णु की 1000 साल पुरानी प्रतिमा। जब भगवान विष्णु की दुर्लभ मूर्ति को देखकर दंग रह गई बांग्लादेशी आवाम। जब हिंदू धर्म की 1000 साल पुरानी मूर्ति ने पुरातत्व विभाग के उड़ाए होश। बांग्लादेश में मिली भगवान विष्णु की प्रतिमा की सच्चाई क्या है? बांग्लादेश में क्या है हिंदुओं के आराध्य भगवान विष्णु का रहस्य? बांग्लादेश की आवाम उस समय अचंभे में रह गई जब इस मुस्लिम बहुल देश में भगवान विष्णु की एक ऐसी अनोखी मूर्ति मिली जो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पुलिस और पुरातत्व विभाग के लोग भी इस मूर्ति को देखने के बाद कम हैरान नहीं हुए। लोग इस बात से दंग थे कि आखिर भगवान विष्णु की इतनी प्राचीन मूर्ति यहां कैसे मिल सकती है। बांग्लादेश में मिली भगवान विष्णु की 1000 साल पुरानी मूर्ति बहुत दुर्लभ और बेहद कीमती है। ऐसी मूर्तियां प्राचीन मंदिरों के अवशेषों के रूप में ही मिलती हैं। भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है। मूर्ति की ऊंचाई 23 इंच और चौड़ाई 9.5 इंच है। भगवान विष्णु की मूर्ति का वजन 12 किलोग्राम है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भगवान विष्णु की ये मूर्ति 10वीं शताब्दी की है। इस दुर्लभ मूर्ति की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि भगवान विष्णु की ये प्राचीन प्रतिमा बांग्लादेश में कहां और क्या मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश पुलिस ने क्यूमिला जिले के बोरो ग्वाली गांव से ये मूर्ति बरामद की। दरअसल भगवान विष्णु की ये मूर्ति बांग्लादेश में पुलिस ने एक टीचर के घर से बरामद की। बताया जाता है कि तालाब की खुदाई के दौरान ये मूर्ति 1.5 महीने पहले दाऊद कांडी इलाके में अबू यूसुफ नामक टीचर को मिली थी। लेकिन तालाब की खुदाई के दौरान मिले इस प्राचीन और बेशकीमती मूर्ति के बारे में उस टीचर ने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। जब पुलिस ने इस टीचर से पूछताछ की तो उसने कहा कि काम में व्यस्त होने की वजह से उसे इस मूर्ति की जानकारी पुलिस को देने का समय नहीं मिल पाया। लेकिन बांग्लादेश पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार रात टीचर के घर से मूर्ति बरामद कर ली। अब बांग्लादेश इस बात की जांच में जुटी है कि टीचर की बात में सच्चाई है या वो बहाने बना रहा है। उसे ये मूर्ति तालाब की खुदाई में मिली है या कहीं और से वो इस प्राचीन मूर्ति को लाया है। फिलहाल बांग्लादेश पुलिस भगवान विष्णु की इस दुर्लभ मूर्ति के संरक्षण के लिए इसे मैनमाती संग्रहालय को सौंपने का विचार कर रही है। कुछ साल पहले बांग्लादेश में खुदाई के दौरान 1000 साल पुराना हिंदू मंदिर मिला था। यह मंदिर भी भगवान विष्णु का था। भगवान विष्णु का यह मंदिर 2016 में बांग्लादेश के कहरोल जिले में मिला था। उस समय एक टीम बांग्लादेश में पुरातात्विक महत्व की जगहों को खोज रही थी। तब जहां करीब 1000 साल पुराने हिंदू मंदिर के अवशेष मिले थे, भगवान विष्णु के इस मंदिर की बनावट और नक्काशी 10वीं शताब्दी के हिंदू मंदिरों जैसी थी। आजादी से पहले तक बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। तब वहां हिंदू मंदिर की बड़ी संख्या थी। 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश बना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नाम वहां के सबसे बड़े हिंदू मंदिर ढाकेश्वरी देवी के नाम पर ही पड़ा है। इसी तरह जोशेश्वरी देवी का मंदिर भी बांग्लादेश का एक बड़ा हिंदू धाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने वहां के इन दोनों मुख्य मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की थी। बंगाल में बांग्ला भाषी हिंदुओं की वजह से शक्ति की पूजा आज भी होती है, क्योंकि बांग्लादेश में शक्ति पीठों के अलावा भगवान विष्णु और भगवान शिव के मंदिरों के साथ साथ दूसरे देवी देवताओं के मंदिर भी हैं।
लेकिन बांग्लादेश जब पाकिस्तान के हिस्से में आया तो अततायियों ने यहाँ के कई मंदिरों को तोड़ डाला। बांग्लादेश बनने के बाद भी कई हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन आज भी बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक हिंदू धर्म बांग्लादेश में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। बांग्लादेश में भारत और नेपाल के बाद हिंदू आबादी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। 1947 से पहले भारत का अभिन्न अंग रहे बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों के अवशेषों या प्राचीन मूर्तियों का मिलना हैरानी वाली बात नहीं है।